स्लाइटली शुगर करते को दिखाया था। हाँ अरे भाई, हाँ भाई, अरे 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 भाई, अरे भाई, अरे अरे भाई, तुम लोग ने दिखता नहीं भाई, मैं जाता भाई, मैं दिखता नहीं यार, तो नहीं दिखता। अरे अरे भाई, सुबह उठ के एल्विस यादव के पैर छूकर तेरे को दिखाया उसने। तू अभी उसके साथ ही सोने वाला है, भेड़ बोल रहा है ना, भेड़, हाँ भेड़, काला बकरी, भेड़ी है तू, बकरी, हाँ भेड़, बकरी, बकरी है, बदतमीज बकरी, ये रे, ये रे, से लड़ने बकरी, बदतमीज बकरी, मिमियाती है, थोड़ा थोड़ा अपनी लिमिट में रह के बात कर भाई मेरे से। तू भी अपनी लिमिट में रह के बात कर भाई मेरे से। ना ना, मेरे को अपनी लिमिट पता है, मेरे को अपनी लिमिट पता है, नहीं पता तेरे को अपनी लिमिट, मेरे को अपनी लिमिट पता है, मेरे को नहीं पता अपनी लिमिट, नहीं पता तेरे को अपनी लिमिट, पता है मुझे अपनी लिमिट, थोड़ा तमीज में रह, तू भी अपनी तमीज में रह, तेरे से तमीज में रहियो, तेरे से भी तमीज में रहो, किसी और से लड़ाओ, तू लड़ा नहीं सकता। अच्छा मत लड़, आ जा, हां लड़ ले, अरे आ जा, चले के आ जा, अबे जा जा, चल ना, चल निकलेगा, लड़कियों के पीछे जाके छुपेगा, अबे ओ। और गाइस, तुम्हारे भाई ने यूजर नेम चेंज कर दिया, ठीक है, अब है जतिन लटवाल ब्लॉग, ठीक है, मेरा ओरिजिनल नेम, तो कोई रीज़न था, मेरे को करना पड़ गया भाई, और अब यही नाम रहेगा, ठीक है, इंट्रो हमारा वही रहेगा। ऑल राइट, सो हे गाइस, जतिन लटवाल ब्लॉग, तो अब ये रहेगा, ठीक है, और इंट्रो भैया ओल्ड, पर नाम चेंज हुआ, ठीक है। सो गाइस, मज़ा आ गया भाई आज का ना, बिग बॉस देख के, लाइव देख रहा था मैं, जिम में बैठ के देख रहा था, बट ये वीडियो आज बन गई, ये अपलोड होगी कल, ठीक है। तो भाई उसमें क्या हुआ, फुकान इंसान अब अच्छा खेल रहा है, अब लग रहा है रियल, पहले लाइन से लग रहा था दोगला, बट अब हम इसे दोगला नहीं बोलेंगे, आज इसने अपना स्टैंड लिया, एलविश का नहीं, अपना स्टैंड लिया, तो वो देख के मजा आया। और आज इसने ना अविनाश को हड़काया, बहुत तोड़ा हड़काया, अब दिखाया है उसको लेवल, भाई फुल फाइट हुई एंग्री वाली, तो भाई मजा आ गया भाई। थोड़े बहुत क्लिप्स ना आपको देखने को मिलेंगे स्टार्टिंग में, इंट्रो से पहले तो आपने देख लिए होंगे, बट अब उसके बाद बात करते हैं हम इसकी। तो भाई सोई बड़न बड़न, तो मजा आ गया भाई देख के ना, अब लग रहा है रियल है, मतलब ना बंदा पहले से ना वैसा लग रहा था, इसके दो चेहरे हैं, मतलब यहाँ भी ठीक रहेगा, यहाँ भी ठीक रहेगा, तो वो हमें देखने में ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ से भी नॉमिनेट नहीं होना चाहता और यहाँ से भी, तो दोनों बंदे से सेव करेंगे, तो कभी कभी ना साथ वालों के साथ भी गिर जाओ, ऐसा गेम खेलो। मैं ये नहीं बोल रहा कि एलवी से तू दोस्ती बना के चल, कोई कोई पॉइंट में ऐसा होगा कि एलविश की गलती होगी, बट अभी एलविश गलती नहीं कर रहा, ठीक है, और हम एलविश के फुल सपोर्ट में, बट मेरा बोलने का मतलब ये है कि अच्छे से गेम खेल, ऐसे गलत गेम मत खेल जिसमें तू दोगला दिखे। अब लग रहा है अब आया टक्कर में, तो अविनाश की तो बोलती बंद कर दी भाई भाई वो एपिसोड देखना आपको भाई आएगा मजा, बट वो एपिसोड आज नहीं है, वो एपिसोड देखेंगे कल, क्योंकि अगर आप ये आज लाइव देख रहे हो ना, तो इसका एपिसोड अपलोड ये करेंगे कल, तो आप कल देखना वो एपिसोड, बट ये वीडियो मेरी सुबह आ जाएगी 12:00 पे, ठीक है, तो ये आप इंजॉय करना वीडियो, उसके बाद शाम में एपिसोड डाल देंगे जियो सिनेमा में, तो वो जाके आप एपिसोड देख सकते हो। पर मैंने क्या करा, मैंने पहले से ही लाइव देख रहा था, तो भाई बहन वाली एंग्री फाइट बहुत तगड़ी भाई, मतलब मज़ा आ गया, ठीक है। तो पर एलविश पता किसे कर रहा था, से भाई वही तो चाहता है वो कि अंदर सारे साफ है, मतलब उसने ना स्टार्टिंग में ही फुकरन खान को ये बोला था कि यहाँ ना यलगार जो सॉन्ग कैरी मिनाती ने जो गाया था उसमें वर्ड है अंदर सारे साफ, मतलब ऐसे ऐसे जो भी था वो मैं वर्ड भूल गया, वो साफ तू समझ जा कौन है, क्योंकि उसको ना बाहर की बातें अंदर नहीं बोल सकता, बट उसने हिंट दिया, अब वो हिंट शायद थोड़ा लेट इसको पिन हुआ, समझ आया, हिट हुआ, मतलब फुकरन खान को थोड़ी लेट समझ आया, बट देर सही आया, पर कोई नहीं, अब मजा आ रहा है फुकरन खान को ना, जैसे फुकरन खान पहले हम उसको सपोर्ट कर रहे थे ना, कि पहले मैं सपोर्ट कर रहा था जो स्टार्टिंग में आ रहा था, सबसे भिड़ रहा था, पूजा भट्ट से भी सबसे, मतलब उसके लिए सब नॉर्मल थे कि मैं किसी को नहीं जानता भाई, दोस्ती उसी गई बाढ़ में, अपना गेम खेलना है जैसे मैं बाहर था और ऐसा हूँ, तो इस खुद का स्टैंड ले रहा था, अब ले रहा स्टैंड, अब लग रहा है मजा आ रहा है, बट जिया के लिए थोड़ा सा अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर उसका है, अगर वो हटा देना मजा आ जाएगा। और जिया का ये बहुत गंदा गेम है, उसको पता है कि अगर मैं फुकरन इंसान को अपनी तरफ कर लूँगी ना, तो ये मुझे भी सेव करेगा और इसकी टीम में जो और बंदे हैं ये उनसे ही बोलेगा, पर एलविश ने जिया को नॉमिनेट करा क्योंकि वो अपना गेम खेलेगा भाई, वो किसी के वो दोस्ती उसी वाला गेम खेलने नहीं आया यहाँ पे, कि भाई मेरा दोस्त बोलेगा तो भाई मैं ये इससे प्यार करता है मैं इसको नॉमिनेट नहीं करूँगा, भाई उसने पहले बोल दिया था कि तू अपना गेम खेलेगा, अपना गेम खेलूँगा, एलविश अपना गेम खेलेगा, ठीक है, सब अपने लिए आए, सब कोई किसी के लिए नहीं आया, बट वो एक भाईचारे की तरह एलविश चल रहा है, और एलविश इस टाइम बहुत बढ़िया खेल रहा है भाई, मज़ा आ रहा है उसे देख के ना, और मतलब पर अभी फुकरन खान को और देखने में आ रहा मज़ा, अभी दोनों खड़े हो गए ना अपने लिए, अब देखना अब लगेगी बिग बॉस में आग,
और सारे रहेंगे चुप। और उसकी अविनाश की तो बोलती बंद कर रखी थी उसने आज, मतलब आज जो देखा ना मैंने वो लाइफ में मजा आ गया भाई। मतलब मैंने आधे घंटे तक देखा, आधे घंटे तक बहस चल रही थी, अनसुन चीजें बोल रहा कि तू ये है तू ये है। और उसने एक वर्ड बोला था, मैंने पॉइंट करा, वो बहुत तगड़ा था वो। फुकरन शाह ने उसको बोला अविनाश को, तू सुबह उठ कर ना सबसे पहले एल्विस के पैर छुआ कर कुछ सीख उससे। उसने बोला कि उसके हाथ पैर दबा और ऐसे से उससे सीख कुछ, ठीक है। थोड़ा सा ना ये तू अपनी बुद्धि कहीं और छोड़ के आ गया, तू पता नहीं क्या क्या बोला। अरे बहुत बहस हुई गाली करो, पता कैसे पता लग गया, क्योंकि वो ना म्यूट कर देते हैं, मतलब म्यूट मतलब एकदम आवाज नहीं आती, जैसे मैं छोड़ा ना ऐसे आवाज आ रही थी। और मतलब बंदा होड़ तो ला रहा है बट हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो वो चीज थोड़ा सा लिपसिंग तो मैंने पढ़ी, मुझे समझ आ गया था गाली वालों से हो रहा है, क्योंकि उन दोनों में भी, क्योंकि वो भी सामने से कुछ बोल रहा था फिर भी दब से म्यूट, वहाँ से म्यूट, मैं समझ गया भाई गाली वाली हो रही है इनमें आपस में। और आधे घंटे का था वो भाई, मजा आ गया। उसके बाद भी ना एल्विस भी छेड़ रहा, अरे एल्विस ने तो भाई क्या क्या नहीं करा। जब उनकी फाइट हो गई ना तो पीछे से आ गया एल्विस से, भाई मजा आ गया आज का एपिसोड, मजा आ गया। और मैं नहीं, सारे ही फुकरन शाह को ऐसा ही देखना चाह रहे थे जैसा आज फुकरन शाह ने करा, तो इसलिए फुकरन शाह को हम इसीलिए सपोर्ट करते पहले, अभी भी हम कर सकते हैं क्योंकि अब अच्छा गेम खेल रहा है। पहले मैं दोगला क्यों बोल रहा था, क्योंकि उसने वो दोगले वाली हरकतें करी। तो वहां से देखो एल्विस के जितने भी फैन है, जैसे मैं उसका एल्विस का फैन हूँ, तो हमें भी बुरा लगेगा कि पीठ पीछे हंस रहा है तू, वो चीज़ देखो बुरी लगी, चलो उसे हटाओ ठीक है। बट अब लग रहा है कि हाँ, ये पहले ना अविनाश का दोस्त बन गया था पर अब नहीं, अब लग रहा है कि हाँ अभी अपने वापस गेम में आ गया। बहुत हुआ उसको भी ना समझ आया, क्योंकि जब से एल्विस आया ना उसने उनका साथ छोड़ के फुकरन शाह यहाँ आ गया एल्विस के साथ, क्योंकि पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, दोस्त हैं, तो वो चीज़ भी है, तो ये चीज़ मुझे सही लगी। बाकी देखो यार एल्विस ने बहुत हिंट दिए हैं कि ये लोग अच्छे नहीं, क्योंकि बाहर से देख के आया ना पूरा गेम इनका, और उनको पता ही कितने गंदे लोग हैं ये, अपने के ही सगे नहीं है ठीक है। और एंड वक्त में ये लोग आपस में ही एक दूसरे को, मतलब उधर वाले लोग, एल्विस एल्विस के लिए नहीं बोल रहा मैं, उधर वाले लोग जैसे जिया फलक या अविनाश, ये आपस में ही एक ऐसा टाइम आएगा आपस में ही एक दूसरे को नॉमिनेट लिख के ले लो, मैं हकीकत बता रहा हूँ। तो इतना गंदा गेम तो देखो कोई नहीं खेलता ठीक है। और आज जो इतने मजा आया ना भाई, फुकरन शाह ने बहुत लगा दी भाई, मतलब इतने दिन से चुप बैठ रहा था पर आज जो फटा है ना तो कुछ फटा है कसम से, देख ना आप कल के एपिसोड में, क्योंकि जो आज लाइव दिखा रहे हैं ना वो आपको कल शाम में अपलोड हो जाएगा, वो दिखेगा ठीक है ऐप में, तो जाके ऐप में देखा ना। पर जो जो चीज़ें बता रहा हूँ वो चीज़ें इसमें हुई है। तो भाई एल्विस ने भी बात लगा दी भाई, मज़ा आ गया भाई। एल्विस ने भी बहुत चीज़ें बोली है भाई अनसुन, क्योंकि क्यों सुनेगा कोई कोई भाई। पर एल्विस ने एक चीज़ बोली थी कल के एपिसोड में, कुछ बहस वहस हो गई थी तो उससे अविनाश से, कह रहा मैं ऐसे गंदे गेम खेलने नहीं आया, बिग बॉस ने ना मेरा हाथ ऐसे बांध रखे क्योंकि हम किसी को यहाँ पे मार नहीं सकते ओपनली, अगर मैं तुझे मारूंगा मैं बाहर हो जाऊंगा, कभी बाहर मिलियो, कह रहा अविनाश, कह रहा मेरे पास इतना वो नहीं है टाइम। तो एल्विस ने बोला भाई मैं आ जाऊंगा तेरे पास, मैं आ जाऊंगा, फिर बोलियो जो तू अंदर ऐसी हरकतें कर रहा है ना तू बाहर बोलियो, अगर इतने औकात है ना तेरी तू मुझे बाहर मिलियो। एल्विस ने बोला जिस दिन मैं तुझे खुद मैं मिलने आऊंगा तुझसे खुद, तू छुपता भागेगा मुझसे, छुपता भागेगा, तू किसी भी बिल में छुप जा मैं तुझे पकड़ लूंगा। और मैं बता रहा हूँ बाहर इसका कुछ ना कुछ एल्विस कांड करेगा, सिस्टम करेगा, बता रहा हूँ भाई रियल है भाई, अंदर इतना चौड़ रहा है तू भाई, लड़कियों के सामने इतना चौड़ दिखा रहा है, वो सिस्टम लेके चलता है भाई, और वो तेरा सिस्टम ना कर ही देगा, उसके फैंस लोग ही कर देंगे भाई तेरा सिस्टम। कमेंट तो तू ना ऑफ कर रहे, बाहर तो देख तेरा क्या क्या ऑफ कर देगा वो। बाकी ठीक है, शेयर करो सब्सक्राइब करो, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। सो भाई आज की वीडियो इतनी है, सो बाय। और जतिन लटवाल ब्लॉग्स आज से मैंने नाम डाल दिया, जाके मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइब करो, 3000 सब्सक्राइबर चाहिए मुझे होने वाले ठीक है, बर्थडे से पहले पहले कर दो ठीक है, 3000 सब्सक्राइबर, 3000 अभी 2905 हो गए, तो प्लीज़ थोड़ा और बढ़ा दो ठीक है। और ऐसी बिग बॉस की OTT न्यूज़ तुम्हारा भाई बहुत जल्दी लेके आएगा ठीक है, हाथ जोड़ के सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब, सो बाय ठीक है, लाइक कर देना।